जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए टॉपर वाला टाइम टेबल कैसे बनाना है। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप लोग तैयारी में लग गए हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है जिसे आप फॉलो करेंगे तो 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, ये एक टॉपर का ये बनाया हुआ टाइम टेबल है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों ने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया है और आप लोग सोच ही रहे हैं कि टाइम टेबल को कैसे बनाएं, क्या बनाएं, टाइम टेबल में आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो ये सारा चीज आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th के हैं या 12th के हैं, जिनका एग्जाम 2024 में होने वाला है, तो अभी से ये टाइम टेबल, और ये टाइम टेबल नहीं है दोस्तों, ये आपका जो है गोल्डन टाइम टेबल है, ठीक है। और ये आपका जो अभी समय चल रहा है ना, ये गोल्डन समय है, ठीक है। तो इस गोल्डन समय को आप लोग इधर उधर में ना खराब करें और इस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करें और देखिए कि कैसे आप लोग 95% मार्क्स लाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस टाइम टेबल को बनाने से पहले आपको कौन कौन सी गलती है जो नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टाइम टेबल बनाते तो हैं लेकिन ये भी गलती करते हैं, तो ये गलती भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अगर ये गलती करते हैं तो फिर इस टाइम टेबल का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या और कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप भी टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाइए और 95% मार्क्स लाने के लिए आप पूरे तरह से इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो टाइम टेबल है ये आप लोगों के भविष्य को बदल देगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्या है उसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर है रूल नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि सेट योर गोल, यानी कि सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट कर लें कि हमको बोर्ड एग्जाम में 70%, 80% या 95% लाना है। यहीं पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली बात तो आप लोग अभी तक ये भी नहीं सोचे होंगे कि हमको 70% चाहिए बोर्ड एग्जाम में, 80% चाहिए या 95% चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इतना आलसी हो गए हैं, जिस तरह से कोई वस्तु एक तरह से निर्जीव वस्तु होता है, एक जगह रख देते हैं वो ना तो हिलता है ना ही डुलता है, उसी तरह से आप लोग भी हो गए हैं। तो अब आप लोगों को इस तरह से होने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो इस तरह से रहिएगा तो आपका लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को जगाइए और अभी से सोच लीजिए कि हमको ये सारा काम करना है। जब तक आप लोग जगिएगा नहीं तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक अपना टारगेट यानी कि गोल सेट कर लें कि आपको बोर्ड एग्जाम में चाहिए कितना परसेंट। देखिए दोस्तों, ये चाहिए जो होता है, चाहिए का मतलब होता है चाहत। अब जिसके अंदर में किसी भी चीज को पाने के लिए उसके अंदर में चाहत नहीं है, तो वो व्यक्ति जीते जी एक तरह से समझिए मरा हुआ है। क्योंकि आपके अंदर जैसे ही किसी भी चीज को लेने के लिए या पाने के लिए इच्छा जाहिर होता है तो ही आप उस काम को करते हैं। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों के अंदर इच्छा जरूर जगना चाहिए इस चीज के प्रति कि हमको 70%, 80% या 95% चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अभी तक ये नहीं सोचे हैं तो सोच लीजिए कि आपको 95% बोर्ड एग्जाम में लाना है और टॉपर बन के दिखाना है, ठीक है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, मान लेते हैं कि आपने सोच लिया, अब आपको करना है। तो देखिए, गलती आप क्या करते हैं, रूल नंबर दूसरा है हमारा कि आपको इन चीजों से दूर रहना होगा। और ये चीजें देखिए हर एक स्टूडेंट के अंदर में होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए। जैसे फेसबुक बिल्कुल भी नहीं चलाना है, अगर चलाते हैं तो कम समय दीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल ये सभी चीजों से कोसों दूर रहिए, ठीक है। शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट रील्स, जैसे ही आप एक खोल दिए हैं, एक वीडियो चालू किए, तो आपको लगेगा कि नहीं आगे एक और देख लेते हैं, नहीं आगे एक और देख लेते हैं। तो ये चीज, ये आपके अंदर में सबसे बड़ा बीमारी है, तो इसको दूर कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम, भाई इंस्टाग्राम जैसे ही आप खोलेंगे, तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप सोचेंगे फॉलोवर हमको चाहिए, हमको यहाँ पर रील्स बनाना है। भाई ये सब समय आप लोगों के लिए है लेकिन अभी नहीं है। अगर ये समय अभी ये इंस्टाग्राम
फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म पर लगा देते हैं तो फिर समझिए आपका जो लाइफ है ना वो एक पापड़ी के समान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ना तो फेसबुक चलाना है, शॉर्ट रील देखना है, शॉर्ट वीडियो देखना है, फनी वीडियो देखना नहीं है, इंस्टाग्राम अदर प्लेटफॉर्म का जो भी सोशल मीडिया पर जितना भी मनोरंजन के लिए है आपको ये सारा चीज से आपको दूर रहना है, ठीक है। हाँ, तो अब आपको इसमें क्या करना है, बहुत से बहुत आप जो है 10 से 15 मिनट आप मनोरंजन कर सकते हैं। इसमें कोई एक मूवी देख लीजिए अच्छा वाला, ठीक है, लेकिन ये मूवी आपको सप्ताह में एक बार देखना होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि 7 दिन में आपको हमेशा देखना है, सप्ताह में एक बार मूवी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को कहीं ना कहीं वहां से कुछ सीख मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे जो हमारा पॉइंट है समझिए। दोस्तों कुछ लाइन है आप लोगों के लिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कि कहते हैं कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि कामयाब बने, बेकामयाब बनिएगा तो ये जो है ना आपको कहीं का नहीं रहिएगा और आपको कोई केयर करने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप देखिए इस जिंदगी में ना है, आपको अकेले सारा चीज आपको खुद से अकेले करना होगा। अगर आप कर लेते हैं, उस चीज में सक्सेस हो जाते हैं, तो ये दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेवजह इधर उधर के दोस्त के साथ नहीं घूमना है, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं बनना है, एकदम अपने टारगेट को सेट कीजिए और टारगेट को फॉलो करना है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। आइए ये चीज तो समझ गए होंगे, अगर ये लाइन आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, देखिए सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें तो हमारा मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। अभी तो यहां पर हम 10th के लिए हम लिखे हुए हैं, लेकिन 12th को भी आपको इसी तरह से करना है, सिलेबस आपका जो भी हो, ठीक है। देखिए दोस्तों सभी स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं और ये चीज आप सभी स्टूडेंट के लिए है, सबसे पहले आप मैथ्स और साइंस को लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अंतिम के महीनों में कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को अभी से थोड़ा थोड़ा भी अगर सही ढंग से तैयारी करते हैं तो ये आपको एग्जाम के समय आते आते ये आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट में सबसे पहले मैथ्स और साइंस को रोज डेली आपको उसको फॉलो करना है और इस पर वर्क करना है। इधर रह गया सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो इसको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा इसके तुलना में जैसे मैथ हो गया, ये साइंस है, इसके तुलना में थोड़ा आपको इसमें कम समय देना है, ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत ही, क्योंकि ये जटिल सब्जेक्ट है और जटिल सब्जेक्ट में आपको ये 2-3 महीने में होने वाला नहीं है, ये कोई एक दिन का हलवा नहीं है जो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को अभी से करना है, ठीक है। और ये सभी सब्जेक्ट जो बच रहा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसको आपको सही ढंग से इसको भी साथ साथ लेकर चलना है, लेकिन इसके हिसाब से, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, अब आइए हम बढ़ते हैं टाइम टेबल की ओर। दोस्तों आप सभी को बता दें ये टाइम टेबल देखिए इतना आसान हम आप लोगों के लिए बना दिए हैं कि ये टाइम टेबल अगर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान टाइम टेबल है। देखिए दोस्तों 5 बजे सुबह में आपको उठ जाना है, बिल्कुल उठिए सुबह 5 बजे, ठीक है। उसके बाद 5 से 7 में आपको क्या करना है, याद करने वाला जितना भी है आप याद कर लीजिए, क्लियर है। याद करने के बाद 7 से 8 बजे आपको क्या करना है, स्कूल के लिए रेडी होना है। अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए आपको तैयार होना होगा, ये 7 से 8 में आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। फिर देखिए आप स्कूल से जैसे ही आते हैं, यानी कि आपको स्कूल करना है, जैसे स्कूल चले गए तो आप 8 से 1 बजे तक या 2 बजे तक आप मान लीजिए स्कूल जाते हैं, वहां पर क्लास करते हैं तो क्लास कर लीजिए, ठीक है। अब 1 से 2 बजे स्कूल से घर आकर वापस आपको क्या करना है, भोजन करना है। जैसे ही आप, ऐसा नहीं कि घर से आए और फिर अपने वही दोस्त वही यार के साथ चल देना है इधर उधर घूमने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। स्कूल से घर वापस आकर सबसे पहले आपको भोजन करना है, उसके बाद 2 से 4 बजे आपको रेस्ट करना है। रेस्ट बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक रेस्ट नहीं करिएगा तो आपका दिमाग जो है पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं होगा, क्लियर है। तो चलिए ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, आइए अगला हमारा क्या उसको समझिए।
अब दोस्तों आगे देखिए, 4 से 6 या 7 बजे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना भी स्कूल या ट्यूशन का हो, चाहे आप अलग से आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारा चीज आपको कितना बजे से, 4 बजे से 6 बजे या 7 बजे तक आप लोग ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। 8 बजे आपको क्या करना है, डिनर करना है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी के घर में 9 बजे है, हम यहाँ पर 8 बजे बताए हैं, तो आप लोग 1 घंटा इसमें मस्ती कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना है। आपको फिर से तैयारी करना है, जैसे ही भोजन बन जाए, अगर डिनर पे जाना है तो आराम से क्या करना है, टाइम देखते रहिए, डिनर का टाइम हो गया आप वहां पर निकल लीजिए, ठीक है, इधर उधर नहीं करना है। 8 से 10 बजे आपको क्या करना है, स्कूल का वर्क और साथ ही सेल्फ स्टडी। ये दोस्तों सेल्फ स्टडी जो है ना, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, हथियार होता है। जो सेल्फ स्टडी पे कमांड कर लिया, वो स्टूडेंट कभी भी जो है कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना है 8 से 10 में, और स्कूल का वर्क साथ ही साथ करना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट में कुछ लिखे हैं, यही तो मेन चीज है। ये सभी काम आपको एग्जाम तक रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन आपके अंदर में जोश है, सर बोले हैं तो जोश तो है, होगा ही 2-3 दिन, तो वो हो गया, 2 दिन के बाद फिर से वही रिवाज, वही काम, वही चीज, तो कोई फायदा नहीं है हमको वीडियो बनाने से, ठीक है। तो अगर आप लोग ईमानदारी से इस चीज को फॉलो करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और रेगुलर आपको ये काम करना है। तो ये रहा टाइम टेबल। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। अब दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ पर है कि रोज डेली आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन जितना कीजिएगा आप उतना स्ट्रांग हो जाइएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, जो भी क्वेश्चन आपको स्कूल ट्यूशन जहां से भी मिलता है आप लोग प्रैक्टिस करें, उसको खुद से बनाने का प्रयास जरूर करें। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, कोई लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट टाइप में एक नोट्स बनाना है, जिसमें केवल आपको इंपोर्टेंट पॉइंट को लिखना है। और दोस्तों हम बता दें कि अगर ईमानदारी से ये सारा काम कर लेते हैं तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपका भी जो फोटो है ना, एक टॉपर लिस्ट में आएगा, एक टॉपर लिस्ट में आपका भी फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टाइम टेबल आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग रोज इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर वो लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।